नमस्कार, मेरा नाम मिली है। मैं ब्लेसिंग्स टीम भुवनेश्वर से हूँ। आज द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सीता के चैप्टर 3 सीताज एजुकेशन, सीता की शिक्षा के पहला खंड, प्रथम खंड हम आज सुनेंगे। सीता मैया के आने पर बहुत कुछ बदल गया था। बाबा जनक और सुनैना माँ हर समय उनके पास बैठकर उन्हें निहारते रहते थे, बारी बारी करके उन्हें गोद में लेते थे। सबसे अधिक आश्चर्य करने वाली बात ये थी कि बाबा, जिनको संसार की कोई भी वस्तु के प्रति मोह नहीं था, उनकी ऐसी दशा थी। और ये दशा केवल बाबा जनक या सुनैना माँ तक ही सीमित नहीं था, बल्कि महल में काम करने वाले सब सीता मैया की एक झलक पाने की चेष्टा में रहते थे। सभी उन्हें माता बुलाते थे, क्योंकि देखने में तो ऐसा लग रहा था कि सब उनकी सेवा में लगे हैं, पर सबके अंदर ये अनुभव हो रहा था कि वही सबकी सेवा कर रही हैं। उस समय मीनाक्षी महारानी सुनैना की सेवा में नियोजित थी। वो भी घंटों सीता मैया को निहारती रहती थी। पहली बार उसे एक स्पर्शनीय प्रेम का आभास हो रहा था, जो पहले कभी किसी से उसने ये अनुभव नहीं किया था। एक दिन वो सीता मैया के पास जब अकेली थी, उनके कान में धीरे से बोलने लगी कि माता, मैंने आपके माध्यम से खुशी क्या होती है इसका अनुभव किया है। आप मेरे जीवन में प्रकाश लाए हैं। आपकी सेवा में मैं अपना बाकी का जीवन न्यौछावर कर देना चाहती हूँ। सीता माँ के आने के बाद बाबा जनक महल से बाहर ही नहीं जाते थे। पहले की तरह आश्रमों में जाना भी बंद कर दिया था। जब माता सीता 1 साल की होने को थे, बाबा ने एक स्वतंत्र साधु का निमंत्रण स्वीकार किया। जब वे सीता से विदा लेने के लिए पास आए, तो बाबा के पास आने के लिए सीता मैया बाहें फैलाए और उन दोनों की दृष्टि एक दूसरे के ऊपर स्थिर हो गए। और बाबा ने उत्तर देते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हें साथ ले जाऊंगा। सुनैना माँ इसका विरोध करने पर बाबा ने कहा, उसने मेरे साथ आने का आग्रह किया है और मैं उसे मना नहीं कर सकता, और मैं जानता हूं कि इसे पाकर आश्रम भी उतना ही खुश होगा। फिर सुनैना माँ मीनाक्षी और उषा नाम की और एक सेविका को सीता माँ के देखभाल के लिए बाबा के साथ आश्रम भेज देती हैं। मीनाक्षी पहली बार महल से इतना दूर जा रही थी। उसने कभी आश्रम नहीं देखा था और उस दिन आश्रम पहुंचने में पूरा दिन बीत गया। उसका कारण ये था कि रास्ते में जितने भी गांव आ रहे थे, बाबा रुककर लोगों से बात करते थे, और कोई खाने के लिए कुछ भी देता था तो बाबा उसे ग्रहण करते थे। इस बार बाबा के साथ राजकुमारी के होने के कारण बहुत गांव से लोग उनके स्वागत में आए थे। वो दृश्य बहुत ही अद्भुत था। उस दिन ये पता चल रहा था कि बाबा कितने उदार हैं। कोई भी साधारण प्रजा सीता माँ को छू सकता था, और सीता मैया की हंसी की किलकारियां भी चारों ओर गूंज रहे थे। जब सब आश्रम पहुंचे, वहां जो साधु थे उन्हें शिशु सीता को देखकर कोई आश्चर्य नहीं हो रहा था। वो बोले, मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा था और मैं खुश हूं कि आप अपनी पहली शिक्षा के लिए यहाँ आई हैं। मीनाक्षी और उषा सीता माँ के लिए बिस्तर लगाते हैं, क्योंकि पूरा दिन वो सो नहीं पाती हैं, तो दिन भर ना सोने के कारण वो जल्दी सो जाती हैं। और मीनाक्षी और उषा भी उनके पास थोड़ी देर के लिए, उनकी भी आंख लग जाती है। कुछ समय के बाद जब मीनाक्षी की नींद खुल जाती है, तो उसे बिस्तर में सीता नहीं मिलती। वो बेचैन होकर उन्हें सब जगह ढूंढती है, पर कहीं नहीं मिलती। परेशान होकर मीनाक्षी दूसरी कुटिया, जहां पर बाबा कुछ साधु लोगों के साथ बैठकर ध्यान कर रहे थे, वहां जाती है। उस समय वो भय से कांप रही थी। उतने में बाबा धीरे से आंख खोलते हैं और उस कमरे के एक कोने तक जाते हैं, और
मीनाक्षी को ये देखकर आश्चर्य हो रहा था कि सीता मैया वहां पर सो रही थी। बाबा धीरे से उसे बताते हैं कि सीता थोड़ी समय पहले ही यहाँ आई है और सीता जलने लगी है। मीनाक्षी को ये विश्वास नहीं हो रहा था क्योंकि सीता ने अभी चलना आरंभ भी नहीं किया था। उस रात के बाद से सीता कभी एक जगह बैठती नहीं थी, अपने इस नई दक्षता का आनंद ले रही थी, चारों ओर चलकर जाती थी। अब मीनाक्षी हर समय सीता मैया के पीछे पीछे रहती थी। उसे ये लग रहा था कि बार बार वो आश्रम के फाटक की ओर जाने की चेष्टा कर रही है। फाटक के आगे जंगल के लिए रास्ता था, तो मीनाक्षी हर समय सीता पर नजर रखती थी। आश्रम से प्रस्थान करने के एक दिन पहले मीनाक्षी की कड़ी निगरानी के बावजूद सीता फाटक से बाहर चली जाती है, तो मीनाक्षी सीता को रोकने के लिए जाना चाहती है, तो बाबा जनक ने उसे रोक लिया और बोले, उसे मत रोको, उसे जाने दो, उसे वहां जाना चाहिए। मैं देख रहा हूं कुछ दिनों से वो उसी तरफ जाने की चेष्टा कर रही है। तो सीता माता को उनके मन के हिसाब से जाने दिया गया, पर मीनाक्षी और उषा उससे थोड़ी दूरी बनाकर पीछे जाते हैं। सीता माँ बिना किसी बाधा के सीधे जंगल के भीतर चली गई और एक पेड़ के पीछे से एक छोटे घायल पशु को उठाकर अपने बाहों में भरकर सीधे आश्रम की ओर चलने लगती है। घायल पशु को बाबा को सौंपकर बहुत रोने लगती हैं। अब बाबा सब कुछ समझ चुके होते हैं। वे बोलते हैं कि हम इसकी रक्षा करेंगे। ये सुनकर सीता माँ सिर हिलाती है, पर अभी भी उनके आंखों से आंसू बहना बंद नहीं हो रहा था। उस घायल पशु के टूटे पैर में पट्टियां बांधे दिए जाते हैं, उसका देखभाल किया जाता है, पर उसे बचा नहीं पाते हैं। इस घटना के बाद सीता माँ बहुत चुप रहने लगी और उन्हें वो फाटक की ओर जाने की और कोई रुचि भी नहीं थी। इसके बाद सब महल वापस आ जाते हैं। तो आज के अध्याय में इतना ही। नमस्कार।